स्वास्तिक पूरी दुनिया में शांति को प्रतीक है। अपनी पुस्तक में हिटलर ने जो शब्द लिखा है वो है हेकन क्राइस, करीब 8 बार इस शब्द का प्रयोग है। जब इसका अनुवाद गूगल पर करते हैं तो स्वास्तिक आता है, परंतु जब हेकन और क्राइस को पृथक कर लिखते हैं तो अनुवाद होता है हुक्ड क्रॉस में। नाजी जर्मनी अपने सैनिकों को जो तमगे देती थी, सभी नाम क्रॉस शब्द से अंत होते हैं। यदि गूगल पर अनुवाद करें तो क्रॉस आता है। उदाहरण के लिए रिटर क्रॉस बनता है नाइट्स क्रॉस, बैलकान क्रॉस बनता है बीम्स क्रॉस, केवल हेकन क्रॉस का अनुवाद स्वास्तिक। ऐसा क्यों? क्रॉस यानी ईसाइत का चिन्ह, हेकन क्रॉस यानी हुक्ड क्रॉस, तो ये स्वास्तिक कब कब में बन गया? ऊपर स्वास्तिक जैसा दिखने वाला चिन्ह और नीचे लिखा है कैमेडियन। यह शब्द अपने भीतर एक ऐसा इतिहास छुपाए है जिस पर बिछी धूल शताब्दियों से पहुंची ही नहीं गई। आधुनिक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक क्रॉस है जो स्वास्तिक जैसा दिखता है, परंतु यदि 1877 में प्रकाशित हुई ग्लॉसरी ऑफ लिटर्जिकल एंड एक्लेसियास्टिकल टर्म्स के अनुसार इसे देखें तो ये मात्र एक क्रॉस है जो प्रारंभ से ही चर्चेज में मिलता रहा है। श्लाइमन की पुस्तक इलियोस प्रकाशित होती है फ्रेंच भाषा में, उसमें वो इस चिन्ह के लिए स्वास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु स्वास्तिक से उनका अभिप्राय क्या? पुस्तक में लिखे गए फ्रेंच शब्दों का सीधा सीधा अंग्रेजी अनुवाद दिखाता है कि श्लाइमन के मस्तिष्क में ये चिन्ह एक प्रकार का क्रॉस था। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब 1891 में इसी किताब के ट्रांसलेटेड संस्करण को मूल पुस्तक के साथ रखकर ये शब्द पढ़े जाते हैं। 1894 में एक समय पलट देने वाली पुस्तक लिखी जाती है, द माइग्रेशन ऑफ सिंबल्स। इसके अध्याय 2 में लेखक लिखते हैं कि डॉक्टर श्लाइमन को ट्रॉय की खुदाई में गैमेडियन मिले थे, और गैमेडियन शब्द का अभिप्राय इस पुस्तक में वो बताते हैं एक प्रकार का क्रिश्चियन क्रॉस। 1907 के कुछ पोस्टकार्ड्स हों या 1910 के कुछ अमेरिकन स्टॉक प्रमाण पत्र, ये प्रमाणित करते हैं कि स्वास्तिक को भी एक प्रकार का क्रॉस ही कहा जा रहा था। भारतीय स्वास्तिक को हिटलर का हेकन क्रॉस बनाया गया, जिसका संबंध सूर्य की दूरी तक भी भारत से नहीं था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1871 में ही पहली बार अंग्रेजी भाषा में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग प्रारंभ होता है। इस पुस्तक में लिखा है कि ये चिन्ह फिलफॉट है, जिसे ग्रीक चर्चेस में गैमेडियन कहते हैं, और इससे मिलता जुलता एकमात्र चिन्ह क्रीट सभ्यता के पुराने सिक्कों पर मिलता है। इतना लोकप्रिय कोई और उदाहरण नहीं मिलता। स्टाइल फैब्रिक्स 1870 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कई बार जिक्र मिलता है गैमेडियन का, लेकिन सदैव उसका जिक्र जो है वो क्रॉस की तरह मिलता है, एक बार भी स्वस्तिक की तरह नहीं मिलता। अगर किसी कॉर्नर स्टोन को बाहर से देखा जाए तो उसका आकार ग्रीक लेटर गामा की भांति होता है, जिन्हें जोड़कर गैमेडियन बनता है। बाइबल की आइज़ाया 28:16 में स्वयं गॉड जीसस क्राइस्ट को लोगों के लिए एक कॉर्नर स्टोन बताते हैं। इसी प्रकार बाइबल के नए टेस्टामेंट के ऑफिशियंस 2:19-21 में पॉल कहता है कि तुम लोग अब परदेसी नहीं हो, बल्कि ईश्वर के स्वयं के घर के सदस्य हो, जिसमें जीसस क्राइस्ट स्वयं कॉर्नर स्टोन है। बाइबल में लगभग 10 स्थानों पर जीसस क्राइस्ट को कॉर्नर स्टोन बोला गया है, और गैमेडियन को भी कॉर्नर स्टोन बोला जाता रहा है। यही कारण है कि नेल्सन की डिक्शनरी ऑफ क्रिश्चियनिटी में गैमेडियन को जीसस क्राइस्ट का चिन्ह बताया जाता है, और इसी कारण से गैमेडियन का ईसाइत में महत्व भी समझा जा सकता है। यह चिन्ह आज भी क्रिश्चियनिटी के महत्व में अनेकों स्थान पर छपा पड़ा है। आयरलैंड के क्लिफोनी में सेंट ब्रिगेट के 8वीं शताब्दी के पवित्र कुएं और क्रॉस स्लैब पर, 6ठी शताब्दी में इस्तांबुल में बनी हागिया सोफिया चर्च में, 10वीं शताब्दी में लिखी गई क्रिश्चियन पांडुलिपि एगबर्ट साल्टर के कवर पेज पर, नॉट्रे डैम के गॉथिक कैथेड्रल में, या फिर लालीबेला में बनी मध्यकालीन चर्च में क्रॉस और हुक्ड क्रॉस को साथ साथ देखा जा सकता है। अक्टूबर 1930 को म्यूनिख में दिए गए एक भाषण में हिटलर हेकन क्रॉस को क्रिश्चियन ट्रेडिशन का हिस्सा बताते हुए कहता है कि हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि क्रिश्चियन क्रॉस ज्यूज, मार्क्सवादी और बोल्शेविक
ऊर्जा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक। हिटलर अपने भाषणों में अपनी पार्टी के कार्यों को बाइबल के गॉड का दिया हुआ कार्य बताता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा और फिर से उसने हेकन क्रॉइस शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हिटलर 1933 में सत्ता में आया और 19 मार्च को इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और आर्टिकल लिखा और उसमें शब्द प्रयोग था हुक्ड क्रॉस, साथ में लिखा गया स्वास्तिक, और यह भी बताया गया कि स्वास्तिक जर्मनी में भारत से पहुंचा, जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का 1922 में इस चिन्ह को हेकन क्रॉइस कहना कोई पहला और अंतिम संयोग नहीं था। भिन्न भिन्न संस्थाएं उस पूरे कालखंड में प्रयास करते थे स्वास्तिक को एक प्रकार का क्रॉस बताने का, या स्वास्तिक एक अलग प्रकार का चिन्ह है ये बताने का। 1936 के बुलेटिन में इस म्यूजियम के द्वारा इस चिन्ह को बास क्रॉस कहा गया। आगे विवरण में लिखा गया कि बास्क क्षेत्र में स्वास्तिक का कोई अस्तित्व नहीं। 1931 में हिटलर की पुस्तक मई कैम्फ का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है ईटीएस डगडेल द्वारा, जिसमें हेकन क्रॉइस का अनुवाद हुक्ड क्रॉस किया गया है। दूरबीन से देखने पर भी इस पुस्तक में स्वास्तिक शब्द आपको नहीं मिलेगा। हिटलर की पुस्तक मई कैम्फ का दोबारा अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, इस बार जेम्स मर्फी नाम के व्यक्ति द्वारा। इसी किताब में हेकन क्रॉइस को हर स्थान पर अनुवाद किया गया स्वास्तिक। यही हिटलर की पुस्तक का सबसे लोकप्रिय ट्रांसलेटेड संस्करण है और इस प्रकार एक शब्द को बदलकर दानवीय कृत्यों से शांति के प्रतीक को जोड़ दिया जाता है। हिटलर की पुस्तक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाला जेम्स मर्फी स्वयं एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था। क्या क्रिश्चियनिटी से जुड़ा व्यक्ति ईसाइत पर इतना बड़ा क्लंक झेल सकता था? क्या इसी कारण जेम्स मर्फी ने हेकन क्रॉइस को स्वस्तिक में ट्रांसलेट किया? ये सब व्यक्ति आधारित ना होकर सरकारी बल की बाध्यता में भी हो सकता है, या फिर एक संगठित योजना के अंतर्गत। जेम्स मर्फी ने यह अनुवाद क्यों किया ये बताने के लिए जेम्स मर्फी आज नहीं है, परंतु गलत अनुवाद किया गया ये बात गर्म तवे पर बैठकर भी कही जा सकती है। इसमें हिटलर के इस चिन्ह को फाइलफुट या गैमेडियन कहा गया। तो फिर ये चिन्ह आम लोगों की भाषा में स्वास्तिक कैसे बन गया? उत्तर के लिए 1959 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म प्रोहिबिटो का ये सीन देखिए। You know, that used to be our shoulder patch till we switched to the Thunderbird. The swastika. और इसी दुष्प्रचार से बहुत अल्प समय में हिटलर के साथ स्वास्तिक शब्द पूर्णतः जुड़ गया। परंतु जिस नग्न अध्याय को सत्य की वेशभूषा से मंडित किया जा रहा है वो अर्ध सत्य भी नहीं था। आज आप कोई पुस्तक कोई फिल्म देखिए, इस चिन्ह को स्वास्तिक ही कहा जाता है और यह असत्य लोगों की दिनचर्या के तर्कों में सत्य का शोणी चाट कर जीवित है। परंतु कब तक? हिटलर ने कभी स्वास्तिक का प्रयोग नहीं किया। Hitler benutzte das Wort Hakenkreuz. Das bedeutet nicht, dass es Swastik. वो हेकेंट्रूस था। चर्च में प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह। और ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा धोखा था। Swastik is a symbol of our civilization. It has been misused for decades. इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। और इसका उत्तरदायित्व अब आप पर है। क्योंकि सभ्यता के असली बीज को तो मरुभूमि फाड़ के भी उगना ही है। विलंब हो सकता है, परंतु यही समर बीज वट वृक्ष बनते हैं, जिनके आलिंगन में कोई खरपतवार जन्म नहीं लेती और जिनका डंका शताब्दियों तक बजता है।